हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोगों ने शुरू किया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी के डिस्कशन को और इस फिज़िकल ज्योग्राफी के डिस्कशन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर्स तो फटाफट उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट करते हैं अस स्टार्ट अस कंप्लीट एंड अस क्रैक बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स

सिलेबस वाइज ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ था जिसमें कि हम लोगों ने जो डिस्कशन किया हुआ था वो बेसिकली फंडामेंटल्स एंड एक्चुअली द इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में बात किया था व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर और इसके बारे में और कुछ भी जो भी चीज़ें हैं प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है एंड इट विल टेक मच मोर टाइम सो बी रेडी विद इट और बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे तो लेट अस स्टार्ट फटाफट तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ अर्थ इंटीरियर अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था वो इंटीरियर के बारे में देखा था और वहाँ पर हम लोगों ने कई सारे जो भी थ्योरीज हैं उनको डिस्कस किया था जहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग कंसेप्ट्स दिए थे जिसमें सियाल सीमा एंड ऑल दैट जितने भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड कंसेप्ट हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था बट उसमें कहीं पर भी कोई एविडेंसेस या प्रूफ या कोई भी एज साइंटिफिक थ्योरी नहीं दी गई थी इन लेक्चर में हम लोग पहले इसी के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले साइंटिफिक एविडेंस के बारे में अगर देखा जाए तो बेसिकली देर आर टू वेज टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक जिसे इनडायरेक्ट मैथड बोलते हैं और जिसे डायरेक्ट मैथड बोला जाता है इनडायरेक्ट मैथड का वो मतलब होता है जहाँ पर हम डायरेक्टली किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं बट थ्रू सम मीन्स हम उसे डिराइव कर रहे हैं जैसे कि हम लोग ड्रिलिंग अगर करें तो वो एक तरीके का डायरेक्ट मेथड हो गया क्योंकि आप ड्रिल कर रहे हैं यू आर डायरेक्टली ऑब्जर्विंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बट इनडायरेक्ट मेथड में वी आर नॉट डायरेक्टली ड्रिलिंग बट वी आर गेटिंग सम यू कैन से यू आर गेटिंग सम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द इंटीरियर एंड बेस्ड ऑन दो बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस यू आर ट्राइंग टू डिराइव द कंसेप्ट विच इज देयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ गेटिंग द पॉइंट तो दिस इज द थिंग जहां पर इंडायरेक्ट मेथड में हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं जैसे स्टडी ऑफ वुलकेकैनिक रॉक्स अब ये नीचे से ऊपर निकल के आ रहा है और अकॉर्डिंग टू द विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द मेटालिक प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू डेंसिटी एंड देर आर लॉट मोर पैरामीटर्स ऑन विच वी आर classifying the interior of the earth and based on that obviously we are studying the interior second thing hoti hai jahan par study of meteoroid ke tarike se hota hai ab meteoroid again it is impacting the earth और ये hole कर देता है और इस तरीके से हम लोग again material पा जाते हैं और material को फिर study करते हैं और उसके हिसाब से हम Earth अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं फिर आती है डेंसिटी स्टडीज़ डेंसिटी स्टडीज़ का मतलब ये होता है जहाँ पर हम डेंसिटी को ऑब्जर्व करते हैं स्टडी करते हैं चाहे वो मिट्रेराइड से निकल के आ रहा हो चाहे वो वल्कैनिकल स्टडी से निकल के आ रहा हो चाहे कहीं से भी निकाल के आ रहा हो हम लोग यहाँ पर जो अपना फोकस रखते हैं वो डेंसिटी को स्टडी करने में रखते हैं लास्टली स्टडी ऑफ अर्थ क्वेक वेव्स आ जाती है इसके बारे में अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं डायरेक्ट मेथड में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि ड्रिलिंग के, के थ्रू हम लोग मटेरियल को निकालते हैं डेंसिटी स्टडीज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो जो आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है वो एक लाइटेस्ट मटेरियल होती है जहां पर डेंसिटी नीयर अबाउट टू टू थ्री होती है इसके पीछे जो कंसेप्ट है या फिर कह लीजिए कि इसके पीछे का जो रीज़न है वहां पर आप बोल सकते हैं जिस तरीके से सन नेबुलर हाइपोथेसिस है दिस नेबुलर हाइपोथेसिस इज एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली डिस्कसिंग द थिंग्स या फिर आप कह सकते हैं ये इसके पीछे का जो रीज़न है वो बता रहा होता है अर्थ एज ए होल एज डेंसिटी ऑफ अराउंड नियर अबाउट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव जैसे कि अगर मान लीजिए पूरा अर्थ का सपोज वन बाई फोर्थ है तो जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि यह सबसे आउटर पार्ट है और यहाँ जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है और ये डेंसिटी नियर अबाउट टू टू थ्री है सिंपल सी बात है कि अंदर में जैसे जैसे आप आते आएंगे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है कि दिस इज द इंक्रीज ऑफ डेंसिटी लेकिन अगर एक ओवरऑल सिस्टम देखें अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम का अगर एवरेज निकालते हैं तो ये एवरेज नियर अबाउट 5 से 5.5 के नियर अबाउट में आता है तो यानी कि कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा लेकिन यहाँ पर एक चीज़ श्योर है कि द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज़ मोर देन फाइव एंड इट मे बी मच मोर देन फाइव फाइव तो यहीं से ये यह डिस्कस किया जाता है कि इट मे बी इन फोर दैट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंप्राइज ऑफ हेवियर रॉक टू कंपनसेट फॉर द लाइटर सुपरफिशियल लेयर्स द इंटीरियर हेवी रॉक्स हाउर नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बल्कि ये जो है वो एक कह लीजिए कि जो होता है फॉर्मेट में एक डेंसिटी डिफ्रेंसीेशन फॉर्मेट में होता है जो विद द टाइम अपने आप को सेटल डाउन कर रखा है अगर ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो अर्थ जो है वॉबल आउट हो जाती और ये कहीं ना कहीं से ये जो स्फेरिकल या फिर कह लीजिए जो सिमेट्रिकल सर्फेस है वो सिमेट्रिकल सर्फेस नहीं होता द बेस्ट पॉसिबल बींग कंसेंट्रिक सर्कल कंसिस्टेंट विद नेबुलर हाइपोथेसिस जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया दिस इज द थिंग जहाँ पर आप जो है इस थ्यूरी को इसके माध्यम से जो है कह लीजिए कि जो है आप इसे बता सकते हैं इसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स में थ्योरीज हैं जहाँ पर यह बोला जाता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो ऑब्वियसली काफ़ी कूल होगी और जैसे ऐसे आप इंटीरियर के ओत में जाते आएंगे वहाँ वहाँ पर इसकी जो टेम्परेचर है या फिर प्रेशर है वो बढ़ते जाएगा एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो थर्मोडाइनमिक्स के तीन लॉज होते हैं उसमें से इसको डिराइव किया जा सकता है इसके अलावा जो नेक्स्ट डायरेक्ट सोर्स इनडायरेक्ट सोर्स है वो है आपकी अर्थक्वेक वेव्स इस अर्थक्वेक वेव में देयर आर टू वेव्स एनर्जी ट्रांसफर वन इज़ द रेडिएशन एंड अनदर वन इज़ द मैकेनिकल वेव्स जो रेडिएशन होती है बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में होती है जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है और ये हर जगह पर अवेलेबल है चाहे वो अब वैक्यूम हो चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो एनी तो ये तो लगातार निकलते रहता है लेकिन दूसरी होती है इसे हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं और ये मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है प्रोपेगेशन के लिए अब यहाँ पर दो तरीके की प्रोपेगेशन हो सकती है एक प्रोपेगेशन हो सकती है जो अपने प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर में इसका मूवमेंट हो जैसे वेव बढ़ रही है आगे लेकिन इसका जो डैम्पिंग है या फिर कह लीजिए जो एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली इसके परपेंडिकुलर है एक दूसरी टाइप की वेव हो जा सकती है जहाँ पर जो प्रोपेगेशन हो रही है वेव की जो प्रोपेगेशन है और इसका जो वाइब्रेशन है वो बेसिकली इसी पॉइंट पे इसी लाइन में ही हो तो ये पैरल हो गया तो जो प्रोपेगेशन की साइड है या प्रोपेगेशन का जो रास्ता है और जो इनके एम्पलीट्यूड का रास्ता है वो दोनों अगर पैरल होगा तो वहाँ पर हम लोग इसे बोल देते हैं कि ये एक डिफरेंट टाइप की वेव है दैट इज़ द लॉन्गीडिनल वेव और अगर वही कोई वेव परपेंडिकुलरली मूव कर रही है तो वो हो जाती है आपकी ट्रांसवर्स वेव तो ये एक तरीके की हो गई ट्रांसवर्स वेव और ये एक तरीके की हो गई लॉन्गील वेव इसी को हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं जैसे कंप्रेशन वेव्स एंड शीयर वेव्स अब यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग अपने एन और जी डिस्कशन के दौरान में पढ़े होंगे कि दे आर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स वन इज पी वेव एंड अदर वन इज एस वेव प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव और दूसरे साइड में आप लोगों ने पढ़ा होगा आर वेव या फिर रेले वेव इज को बोलते हैं और दूसरी होती है एल वेव या जिसे हम लव वेव बोलते हैं तो जो ये पी एंड एस वेव है ये बेसिकली कंप्रेशन वेव्स हैं या इसे हम लोग बॉडी वेव्स भी बोलते हैं दिस इज बॉडी वेव्स और जो आपके रेले वेव्स है या फिर लव वेव्स है इसको हम लोग शेयर वेव बोला जाता है या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज सरफेस वेव नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आखिर में ये जो दोनों वेव है किस वेव के कारण से अर्थक्वेक हमें फील होती है तो जो पी वेव है ये बेसिकली एक ट्रांसवर्स वेव होती है और जो एस वेव है एक तरीके की लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है देखिए यहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जी के सेक्शन के जो जी वाली जोग्राफी की वीडियोज़ हैं या फिर एन है उसको आप गो थ्रू करिए रीड करिए दिस इज वेरी बेसिक एंड दिस इज़ वेरी बेसिक फिजिक्स थ्योरी ऑफ वेव तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो बॉडी वेव होती है ये कहीं से भी कोई शेकिंग नहीं देती है दिस इज़ जस्ट अ मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं कि एक वेव है जो आगे किसी सिस्मिक स्टेशन पे जा करके ये रिकॉर्ड uh, हो रही है लेकिन जो सरफेस वेव होती है ये इंटेंस होती है और ये इंटेंस होने के कारण से ही ये एक्चुअल में शेकिंग करती है और इस शेकिंग के कारण से ही अर्थक्वेक जो हमें फील होती है जिस जो डिस्ट्रक्शन होती है जो डिज़ास्टर आती है वो इसी के कारण से आती है चाहे वो रेले वेव हो चाहे वो लव वेव हो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फोटोग्राफ है जहाँ पर यहाँ पर सपोज होता है दिस इज़ सरफेस ऑफ द अर्थ सपोज दिस इज़ सरफेस ऑफ अर्थ अब यहाँ पर सबसे पहले जो है पी वेव आती है क्यों क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज़ वेरी फास्ट सेकेंड थिंग जो हमारी सेकेंडरी वेव आती है सेकेंडरी वेव आती है तो ऑब्वियसली बात है कि ये केवल और केवल सॉलिड में ट्रैवल करती है एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव ठीक है जो पी वेव होती है ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती है एंड दिस इज़ लॉन्गी ट्यूडिनल वेव ठीक है longitudinal wave वेव एंड दिस हैज़ ये जो पी की वेलोसिटी होती है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एस वेव जब ये दोनों चली जाती हैं तो उसके बाद से फिर हमारी एल वेव आती है जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर सरफेस वेव और ये लास्टली आती हैं और इसी वजह से पी वेव एस वेव जो कि शेकिंग नहीं करती है केवल सिस्मोग्राफ पर नोट हो जाती है और ये नोट होने का मतलब है कि पीछे से एल वेव आ रही है एंड वी हैव टू अवेयर द पीपल हमें लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि विद इन फाइव मिनट टेन मिनट जो भी समय बचा है किसी तरीके से आप अपने घर को वैकेट कर दीजिए या फिर एक सेफ़ लोकेशन पे चले जाइए जहाँ पर आप जो है किसी प्रकार से बच सकें कई लोग बोलते हैं कि ओपन एरिया में ओपन फील्ड में आ जाना चाहिए दैट इज़ गुड बट किसी भी पेड़ के नीचे नहीं आना चाहिए अदरवाइज़ जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप घर में भी हैं तो आप एक सेफ़ लोकेशन देख करके किसी पिलर के पास या किसी सेफ uh, लोकेशन मतलब देख लीजिए अगर कहीं आपका हेड आपका बच रहा है तो उस इलाके में आपको आ जाना चाहिए दैट इज़ द प्रिकॉशनरी मेज़र इसके अलावा जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो जाती हैं लाइक दीज आर द पी वेव एंड एस वेव जिसके बारे में आप लोगों ने एन में काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा एंड uh, यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसा डिस्कशन करने को नहीं है बस आप ये समझ लीजिए कि दिस इज़ द सर्फेस ऑफ द अर्थ और यहाँ पर ये यह शेडो जोन, जोन आती है सिमिलरली यहाँ पर भी एक शेडो जोन आती है दिस शेडो जोन इज एक्चुअली फ्रॉम 105 डिग्री टू 145 डिग्री ये सब आपने बेसिक में पढ़ा होगा तो यहाँ पर एस बताने वाली एस कोई बात नहीं है बस ये ध्यान में रखिएगा कि पी वेव एंड एस वेव ये दो तरीके से हो सकती है और ये दोनों वेव जो है उसे हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मीडियम विच इज़ धेयर इन टू द अर्थ इंटीरियर इसे कई बार दो दो पार्ट में लिखा जा सकता है जैसे कई बार ये पी एस एंड एस एस के फॉर्मेट में लिखा जाता है कई बार इसे पी जी एस जी के फॉर्मेट में लिखा जाता है ये कोई अलग चीज़ नहीं है दिस इज़ जस्ट अ मीडियम टू रिप्रजेंट कि हमारा ये जो आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पर हमारी जो वेलासिटी होगी वो रिलेटिवली अलग होगी एज कंपेयर टू अंदर वाली वेलासिटी के क्यों क्योंकि यहाँ पर मीडियम का चेंज हो रहा है सपोज़ यहाँ पर मीडियम आपकी सॉलिड है और अंदर अगर आपकी मीडियम लिक्विड है तो लिक्विड में तो एस नहीं जा पाएगा लेकिन पी जाएगा एंड इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी दैट इज़ द थिंग दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दिस विद दिस डी डिज डोनेशनस तो यहाँ पर यह अलग अलग चीज़ें हो जाती है यहाँ पर है सच कुछ जो है नई चीज़ नहीं है देर इज़ नो डिफरेंस इन जी और ऑप्शनल स्टडीज बोथ आर सेम थिंग और ये आपको तैयार रखना है आगे अगर देखा जाए तो देखिए ये हमारे पास एक सिस्टम uh, है जहाँ पर पी और एस वेव को काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ में यहाँ पर इंटीरियर को पी एंड एस वेव के साथ में कंपेयर किया गया है जैसे अगर यहाँ पर आप देखिए सपोज सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है दैट इज़ द ए पार्ट जहाँ पर क्रस्ट के बारे में बताया गया है इस क्रस्ट में आप देखेंगे तो पी एंड एस वेव दोनों ही मूव कर रही है दिस इज द मूवमेंट अब यहाँ पर क्या है दिस इज़ विलॉसिटी देख रहे हैं ना किलोमीटर पर सेकेंड है तो विलॉसिटी हो गई एंड दिस इज़ द डेफ्थ कि आप इंटीरियर के अंदर में जाते जा रहे हैं अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनकी विलॉसिटी देखिए रिलेटिवली बढ़ते जा रही है और यहाँ पर इसकी विलॉसिटी बढ़ तो रही है लेकिन रिलेटिवली कम बढ़ रही है एज कम्पेयर टू द पी वेव दैट इज़ एक्चुअली शोइंग कि जो पी वेव की विलॉसिटी होती है वो रिलेटिवली एस वेव से ज़्यादा होती है यहाँ तक अप टू द पॉइंट डी यहाँ तक जो भी यहाँ पर डेंसिटी मटीरियल है वो सॉलिड मटीरियल है या फिर सेमी सॉलिड हो सकती है लेकिन ये प्योरली लिक्विड नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एस पार्टिकल्स या फिर एस वेव पाई गई है बीच में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी सी डाउन हो रही है और ये इसे बोला जाता है लो वेलोसिटी जोन इन बी और इसे बोला जाता है लो वेलोसिटी जोन या इसी को बोल सकते हैं आप एस्थेनो दिस इज इस एस्थोनो जो कि आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है इसके बाद अगर देखेंगे तो एस वेव यहीं से जो है इंटरप्ट हो जाती है यहाँ पे ख़त्म हो गई है लेकिन जो पी वेव है उसकी वेलोसिटी अचानक से गिर गई है एंड दिस इज़ शोइंग कि यहाँ पर अगर सॉलिड मटेरियल है तो दिस इज़ प्योरली लिक्विड मटेरियल तो यहाँ से लिक्विड मटेरियल स्टार्ट हो जाती है और फिर यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा जहाँ पर ये जो चेंज है दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन एंड दिस इज़ एक्चुअली शोइंग दिस इज़ वॉट बताइए क्या चीज़ है ये ये है वो डिसकंटिन्यूटी ये है गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग नॉट दिस इज हैुटेन्यूटी और यहां पर वेलोसिटी अपने आप आपको रीअरेंज करेगी और अंदर आकर के फिर वेलोसिटी अलग हो जाएगी एंड दिस इज इनर कोर और यहां पर ये यह सॉलिड मटेरियल हो जाता है अब यहां पर क्वेश्चन होता है वाई द सेकेंडरी वेव इज नॉट देयर ऑब्वियसली बिकॉज ये अंदर आ ही नहीं पाई थी कि यहां पर प्रोपिगेट करने पाए सॉलिड है बट यहां तक बीच में रास्ता खराब था जहां पर गाड़ी नहीं चल पाई एंड दैट इज वाय यहां अच्छे रास्ते पर भी गाड़ी एस वे वाली गाड़ी नहीं आ पाई है तो यह पूरा का पूरा काफी अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन मैं कहूंगा कि ये आप अपने ध्यान में रखिएगा और कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज रिप्रेजेंट दिस डायग्राम इन योर आंसर काफी अच्छा डायग्राम यह दिया गया है नेक्स्ट थिंग हमारा जो डिस्कशन पॉइंट आती है वो आती है डायनामिज्म ऑफ अर्थ क्रस्ट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज़ बोथ ओशियानिक एंड कॉन्टीनेंटल इज एक्चुअली डायनामिक एंड कंप्राइज ट्रमेंडस डाइवर्सिटी इन द लैंड फॉर्म इस लैंड फॉर्म के बारे में ऑलरेडी आप लोग समझ ही रहे होंगे कि दे आर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेज एक इंडो जेनेटिक फोर्स होती है और दूसरी एक्जो जेनेटिक फोर्स होती है इंडोजेनेटिक में हमारे पास जो अर्थ के इंटीरियर से फोर्सेज आते हैं जिसके कारण से अगेन लैंडफॉम चेंज होती है और जो एक्जो जेनेटिक होते हैं वहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स अवेलेबल हैं लाइक विंड हो गई रिवर हो गई वाटर हो गई ओशियन हो गई और ये लोग भी लगातार जो भी लैंडफॉम है उसे मोडिफाई करते हैं यहाँ पर दोनों सिस्टम ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल दोनों ही डायनामिक और दोनों ही पार्ट में लैंडफॉम पाए जाते हैं पहले ऐसा पाया जाता था ऐसा कहा जाता था पुराने जोग्राफर के द्वारा केवल और केवल लैंड पे ही लैंडफॉम पाया जाता है एंड इन द टाइम ऑफ वेगेनर अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे जो सियालिक मटेरियल है दैट इज द कॉन्टिनेंट इज़ एक्चुअली फ्लोइंग ओवर द ओशियन दैट इज द सीमा मटेरियल एंड दैट इज़ वाई जो ओशियन है वो एक प्लेन सरफेस है लेकिन बाद में जब बाकी लोगों ने बताया बाकी लोगों ने देखा तो उसके बाद से फिर जो है यहाँ पर हमें पता लगा कि जो ओशियन है वो भी एक तरीके की सरफेस है जहाँ पर हमें लैंडफॉम वगैरह पाया जाता है तो ये आपको क्लैरिटी हो गई आपके जी एस सेक्शन से ही अर्थ इज यूनिक टू आवर प्लानट और यहां पर जो कॉन्टिनेंट है दैट मेक अपू द क्रस्ट एंड नॉ आर नॉट कंटिन्यूअस द फोल्ड माउंटेन्स विद इट्स सेडिमेंट्री मरीन डिपोजिट हैदर ऑफ ग्रेटेस्ट मिजरीज यहां पर देखिए कोई ऐसी चीज नई नहीं, नहीं है जहां पर कोई डिस्कशन का पॉइंट हो बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर जी एस पार पोर्शन इसके अलावा देखिए थ्योरीज एक्सप्लेनिंग जो डायनमिक्स ऑफ अर्थ है उसको थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए कुछ थ्योरीज हैं जैसे कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ हेरल जैफरी इनका कहना क्या है इनका कहना यह है कि सपोज दिस इज़ सपोज अर्थ और यह अर्थ जो है एक सपोज जायंट मटेरियल है जायंट मटेरियल का मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है विद द टाइम ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर डाउन होगा ठंडा होगा और ठंडा होगा किसका सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका टेम्परेचर जो है वो ठंडा होना शुरू होगा अब यह ठंडा होगा तो सीधी सी बात है आपको पता है कि जो हीटेड मटेरियल होते हैं उसका जो वॉल्यूम है और जो कूल मटेरियल है उनका जो वॉल्यूम है देयर विल बी अ डिफरेंस इन द वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर दे विल ट्राई टू लूज एन देयर पार्टिकल्स और लूज करने का मतलब ये हो जाता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो अब धीरे धीरे एक पपड़ी के फॉर्मेट में यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगी सिमिलरली आगे अगर आएंगे तो अब हमारे पास जब टेम्परेचर में चेंज आना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर जब अपने आप को स्टेबलाइज करेगी या फिर रहने लायक बनाएगी तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग तरीके का एक कंसनट्रेट सर्कल बन जाएगा जो ये बताएगा कि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी लो टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हाई टेम्परेचर एंड बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी डिफ्रेंसीेशन इन द लेयर्स एंड दिस डिफरेंसिएशन ऑफ लेयर्स जो चीज़ रहेगी वो अलग अलग तरीके से हमारे पास मिल जाएगी दिस इज़ द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्यूरी जो कि हेरल जैफरी ने प्रपाउंड किया था इसके अलावा देखिए कुछ और भी थ्यूरीज दी गई थी जैसे एक फ्रेंकोइस बैकन के द्वारा दी गई थी इन्होंने कहा था कि देखिए अटलांटिक के दोनों साइड में जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके जो कोस्ट है वो एक्चुअली मैचिंग है और ये मैचिंग का मतलब ये कि इन्होंने जिक्सा फिटिंग की थी मतलब कि इन्होंने कॉन्टेन्ट के मैप को कट किया एंड ही जो हमारे फ्रेंकिस बेकन साहब हैं, इन्होंने प्रॉपरली यहां पर फिटिंग की और फिटिंग करने के बाद इन्होंने देखा कि देखिए कोस्ट लाइन जो है वो काफी सिमिलर है इसके अलावा नीडर थे इन्होंने कहा कि देखिए कोल फील्ड ऑफ जो नॉर्थ अमेरिका है एपलेशियंस आर एक्चुअली सिमिलर टू एज एंड कंपोजिशन टू द फील्ड ऑफ वेस्टर्न यूरोप जो कि आपके फ्रांस या फिर जर्मनी वाला पार्ट है तो उससे ये कहीं ना कहीं एक चीज निकल के आ जाती है कि जो हमारा सिस्टम है वो एक स, एक पहले जो होता है वो फिटेड पोर्शन में रहा होगा बाद में ये हो सकता है किसी कारणवश अलग अलग हो गया हो उसके पीछे का कारण नहीं पता है लेकिन ये शुरुआती दिनों में एक साथ रहा होगा ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर था इन थ्योरीज को इन थ्योरीज की मदद से वैगनर ने फिर अल्टीमेटली अपनी एक थ्योरी दी थी अच्छा वैगनर से पहले भी एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिस इज़ नॉट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ वैगनर दिस इज़ समथिंग डिफरेंट इसे डिस्प्लेसमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे टेलर साहब के द्वारा दिया गया था इन्होंने भी इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो सियालिक मटेरियल होता है ये मूव करता है सीमा मटेरियल पर लेकिन इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में ग्लोबल लेवल पर नहीं बोला था छोटे लेवल पे इन्होंने बताया था कि हाँ ठीक है जो सियालिक मटेरियल होती है वो मूव कर रही होती है सीमा मटेरियल पे एंड थ्रू दिस थ्योरी अपनी थ्योरी के हिसाब से इन्होंने जो बाकी के तीन थ्योरीज हैं इनको इनको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि देखिए इसका रीज़न ये हो सकता है बट इट मे नॉट बी करेक्ट फिर हमारे साहब आते हैं जो वेगनर साहब है इन्होंने प्रॉपरली इस पूरे के पूरे सिस्टम को बताया कि एक्चुअली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है एंड हाउ दीज थ्योरीज एंड दीज फाइंडिंग्स आर रिलेटेड विद द ग्लोबल स्केल क्या है कैसे सिस्टम है कैसे मूव कर रही है इन सब के बारे में इन्होंने बाद में बताया यहाँ पर देखिए एक जिक्स फिटिंग के बारे में बताया गया है कि जिस तरीके से अफ्रीका को आप देख सकते हैं अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका सिमिलरली यहाँ पर आपको जो मेडिटेरेनियन है उस पोर्शन पे एंड जो यहाँ पर पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका यहाँ से लगनी शुरू हो जाएगी और फिर यहाँ से यूरोप लग जाएगा एंड दिस इज हाउ एक पूरे का पूरा जिक्सा फिटिंग सरफेस बताया गया था इस पूरी थ्योरी के बाद में जो एक बड़ी थ्योरी सामने निकल के आती है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी निकल के आती है अगेन इसके बारे में आप लोग जानते होंगे बट कुछ चीज़ें हैं अगेन जो डिस्कस करने वाली है उसके बारे में हम लोग फटाफट एक रिविजनरी नोट के रूप में देख लेते हैं जो थ्योरी थी वो दी गई थी नाइनटीन में और ये शुरुआती दिनों में जर्मन थ्योरी में दी गई थी बाद में इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था इन्होंने अपनी थ्योरी को अलग अलग एरा में डिवाइड किया था जैसे इन्होंने बोला कि कार्बोनी फेरस जो एरा है उस टाइम पे पेंगिया सुपर कॉन्टिनेंट था और पैंथालसा सुपर एशियन था ये एरा आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आंसर में लिखने से आपको ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा सेकेंड जो एरा आती है वो आती है मिसो जोई केरा यहाँ पर पेंगिया ब्रोक हुआ था अपने इस मिडिल एज में दिस इज मिडिल एज ऑफ मिसो और यहाँ पर पेंगिया ब्रोक हो गया था अलग अलग कॉन्टिनेंट में बाद में फिर इोसिन पीरियड आती है और अर्ली प्लीस्टोसिन पीरियड आती है और लगातार ये जो मूवमेंट है वो चलता रहता है दिस इज मूवमेंट ऑफ जो भी हमारे कॉन्टीनेंट्स हैं इस मूवमेंट के माध्यम से अलग अलग तरीके की हमारी लैंडफॉर्म बनती है और इसी तरीके से हमारी हिमालय भी खड़ी होती है अकॉर्डिंग टू द वेगेनर इसको आप लोग एक फोटो से भी देख सकते हैं जहां पर अलग अलग तरीके से अलग अलग फेज में दिखाया गया है लाइक इन आपकी सिलुरियन कार्बोनिफेरस पीरियड सिलोरियन में अगर आप देखेंगे तो सबसे इनिशियल फेज़ है और आपको ये मार्जिनस पे देखने को मिलेगा सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ते आएंगे तो आपकी सिलुरियन प्ली सिलोरियन फिर उसके बाद से क्रिटेशियस इोसिन फिर एंशियन ग्रेनाइट एंड लास्टली आपकी गोंडवाना फेज में मिल जाएगी और इस तरीके से आपका ये जो सिस्टम है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज साउथ अमेरिका जैसे साउथ अमेरिका एंड इट हैज़ बिन डिटैच फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन ये आपके अफ्रीका की रीजन है और यहाँ से डिटैच हो गया है अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जैसे प्री सिल्यूरियन हो गया उसके पहले आपका सिल्यरियन कार्बोनीफेरस या फिर लेटर कार्बोनीफेरस पीरियड भी बोल सकते हैं यहाँ पर अगेन द सेम थिंग इसके बाद नेक्स्ट आप आगे आएंगे तो गुंडवाना पीरियड आपको मिलेगा और इस तरीके से आपके पास अलग अलग तरीके की सिस्टम देखने को मिल जाएगी इसे और बेटर तरीके से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप ग्लोब के फॉर्मेट में देख सकते हैं जहाँ पर दिस इज़ लेट कार्बोनी फेरस पीरियड और यहाँ पर जो हमारा मैप है वो कुछ इस तरीके का है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ आवर मैप जो अलग अलग तरीके के सिस्टम यहाँ पर फैली हुई है एंड दिस इज़ कंटिन्यूसली वाइडनिंग जैसे जैसे बढ़ते आ रही है यहाँ पर देखिए सिस्टम जो है वो अलग होते आ रहा है और बेटर तरीके से हमें विजिबिलिटी आ रही है ये हो गया योसिन पीरियड और फिर लास्टली आ जाती है हमारी अर्ली प्लेस्टोसिन पीरियड यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है पूरी तरीके से डिटैच हो चुका है और एक अलग अलग कॉन्टेन्ट बना लिया है इस वेगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा अगर और बात किया जाए तो जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं वैगनर ने कहा कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल एक है जो नदन फोर्स है और दूसरी है जो वेस्टर्न फोर्स है वैगनर ने कहा कि जो हमारी पेंजिया है दिस इज आवर पेंजिया. ये पेंजिया एक्चुअल में हमारी साउथ हेमिस्फीयर में थी दिस इज इन साउथ हेमिस्फीयर इस साउथ हेमिस्फीयर से ऑब्वियसली अगर मान लीजिए दिस इज द अर्थ आवर अर्थ और यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा पेंजिया है तो पेंगिया का जो सदन पार्ट है वो सदन पोल पे रहा होगा जो नदन पार्ट है वो कहीं ना कहीं इक्वेटर के साइड में रहा होगा काफ़ी बड़ा है ये और ये सेंट्रल पोजीशन तक जाएगा इस पोजीशन को याद रखना आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसी का यूज करेंगे लगातार अब देखिए केवल इस पेंगिया को अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो इक्वेटर की लोकेशन है वो लगातार बदलती मिलेगी नॉट ओनली द लोकेशन ऑफ द इक्वेटर बट ऑल्सो द पोल्स सेक्शन पोल की भी हमारी जो पोजिशन है वो लगातार बदलती दिखेगी अब यहाँ पर इन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है एक तो नदवन नदन फोर्स लग रही है और साथ ही साथ में वेस्टर्न फोर्स लग रही है तो कहीं ना कहीं इसका मूवमेंट जो है वो इस साइड में जाएगा दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन इस साइड में आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटेंट फिर हमें देखने को मिली थी अलग अलग तरीके से हमारी ड्रिफ्टिंग हो जाती है और उसके लिए अभी हम लोग एक फोटोग्राफ भी देखेंगे तो आपको और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी इसके अलावा देखिए हमारे पास माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है अब ये माउंटेन बिल्डिंग क्या है माउंटेन बिल्डिंग एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शनन फ्रिक्शन जो कि फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है सियालिक मटेरियल का सियालिक मटेरियल ओवर सीमा ये जो मूवमेंट हो रही है इसके कारण से यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो मटेरियल है जैसे मान लीजिए सपोज दिस इज़ द सरफेस ऑफ सीमा और यहाँ पर सियालिक मटेरियल मान लीजिए आगे घूम रहा है तो ये यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट करेगा रगड़ करेगा और इसके कारण से कुछ ना कुछ जो है मटेरियल यहाँ पर टूटेगा और इस टूटने के बाद ये आगे की ओर में एक्ूमुलेट होते आएगा और इस तरीके से हिमालय आगे जा कर के बन जाएगा और इस तरीके से उन्होंने कहा कि जितने भी कॉन्टिनेंट होंगे जितने भी एरियाज़ होंगे जो टूटे हैं उनके कॉन्टिनेंटल मार्जिनस पे हमें एक कोई ना कोई माउंटेन देखने को मिलेगी एंड दिस माउंटेन लाइक रॉकीज़ हो गई या फिर आपकी इंडीज़ हो गई या फिर आपकी ब्लैक फॉरेस्ट भी हो गया जैसे कि आपके बॉर्डर एरिया में आ जाती है इसके अलावा आपको एटलस देखने को मिल जाएगा जो कि अफ्रीका के बॉर्डर पे है सिमिलरली हिमालयाज़ भी देखने को मिल जाएगी तो ये सारे सेक्शंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने इस थ्योरी के माध्यम से बताया इसके अलावा जो ओरिजिन ऑफ आईलैंड आर्क्स हैं इन्होंने कहा कि देयर आर मल्टीपल ब्रोकन प्लेट्स नॉट ओनली द प्लेट्स एक्चुअल ये एक्चुअल में क्या है कि जो पैंगिया वो अलग अलग तरीके से टूट गया अब जो बड़े बड़े पोर्शन थे वो तो कॉन्टनेंट में बदल गए लेकिन जो छोटे पोर्शन थे जिस पे लगातार डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे थे वो यहीं रह गए मूव नहीं कर पाए या मूव किए तो आसपास ही रहेगा और ये छोटे छोटे प्लेट बाउंड्रीज या फिर कह लीजिए छोटे छोटे सियालिक मटेरियल के रूप में रह गए जिसे आईलैंड आर्क कहा गया इन्होंने कहा कि देखिए जितने भी आइलैंड आर्कस रहेंगे वो एक बड़े ओशियन के पास में रहेंगे और उसके पीछे रीज़न यही है कि ये मूवमेंट नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी छोटे थे और ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाए बड़े मटेरियल के साथ में रहते बड़े कॉन्टिनेंट के साथ में रहे होते तो फिर ये भी मूव कर जाते लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज लगी और ये यहीं पर छूट गए इसके अलावा इन्होंने कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन के बारे में भी बताया इन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट पेंगिया है ये साउथ हेमिस्फीयर में थी इन्होंने कहा कि देखिए जो इसका जो सदन हेमिस्फीयर है जैसे सदन हेमिस्फीयर का ये जो सदन पोर्शन है इस पोर्शन पे हमें ग्लेशियर्स के अवशेष मिले हैं ग्लेशियर्स के रिमेंस मिले हैं और जो ये नॉर्थ पोल है नॉर्थ पोल का मतलब नॉर्वे हो गया रशिया हो गया फिर कैनेडा वगैरह यहाँ पर हमें मरीन्स के मरीन्स एनिमल्स के जो है यहाँ पर रिमेन्स मिले हैं और कोल भी मिला हुआ है तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कोल पोजीशन की यहाँ पर कभी ना कभी वेजिटेशन रही होगी जो कि हाई प्रेशर के कारण से हाई टेम्परेचर के कारण से दब करके कोल बना दिया होगा और यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन मिल रही है और हमें मिलता भी है कोल तो इस तरीके से इन्होंने इस पूरे सिस्टम को क्लासीफाई करने की कोशिश की आगे देखिए इसके बाद जो हमारा सिस्टम आ जाता है वहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्राफ है जहाँ पर हमें देखिए अलग अलग तरीके की इक्वेटर मिल रही है और ये इक्वेटर हमें विद द टाइम डिफरेंट टाइम्स हमें मिलती रही है जैसे सबसे पहले देखिए सिलुरियन साउथ पोल है जो कि कहाँ पर है अफ्रीका के पास में देख सकते हैं आप यानी कि जो पेंगिया था वो साउथ हेमिसफियर में रहा होगा तो इस पोजीशन ये जो पोजीशन है वो यहाँ कहीं है यानी कि पूरा का पूरा सपोज दिस इज़ आवर कॉन्टिनेंट पेंगिया तो ये वो अफ्रीका का पार्ट है जहाँ पर हमें ये पोर्शन देखने को मिलेगा क्लियर हुआ कुछ यहाँ पर यहाँ और बेस्ड ऑन दिस यहाँ पर जो इक्वेटर है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है ये दिस इज सिलोरियन इक्वेटर तो आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इक्वेटर का ये जो नदन प्लोल है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इक्वेटर पे था तो अगर आप इसे इस पोजीशन पे लेकर के आते हैं तो ये वाला जो एरिया है जो इक्वेटर के पास में है वो एक्चुअल में ये नॉर्वे वाला पोर्शन ही है और यहाँ पर ये अफ्रीका वाला पोर्शन है रिलेट करने की कोशिश करिए आप रिलेट कर ले जाएंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अ वेरी गुड पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अब क्या होगा अब ये ब्रोक हो जाएगा ब्रोक होने के बाद अलग अलग फॉर्मेट में टूट जाएगा और मूवमेंट हमें इस साइड में देखने को मिलेगी तो दिस इज क्वाइट क्लियर कि जो इक्वेटर की मूवमेंट है वो हमें लेफ्टवर्ड साइड में या फिर कह लीजिए नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगी ऑन द सेम लिंक देख सकते हैं आपकी इक्वेटर भी लगातार मूव कर रही है दिस इज कार्बोनिफेरस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इक्वेटर कुछ इधर गया और हमारी कॉन्टेंट मतलब जो पोल है वो इधर गई अब सीधी सी बात है अगर ये पोर्शन इधर जाएगा तो सीधी सी बात है जो पोल है वो भी इधर जाएगा बिकॉज दिस इज़ लाइक रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिमिलरली टर्शरी वाला साइड आएगा इधर से तो आपकी जो नेक्स्ट पोल है वो यहाँ पर चली जाएगी तो इस तरीके से हमारा अंटार्कटिका ये हमारा साउथ पोल पे प्रेजेंट डे में आ जा जाता है और इक्वेटर वाली जो चीज़ है वो घूम जाती है इसी तरीके से नॉर्थ पोल के बारे में भी आप देख सकते हैं कि अगर ये सिलोरियन नॉर्थ पोल है तो सिल्योरियन साउथ पोल है कार्बोनीफेरस नॉर्थ पोल है कार्बोनीफेरस साउथ पोल है टर्शरी नॉर्थ पोल है तो टर्शरी साउथ पोल है तो इस तरीके से इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वेगनर की थ्योरी को दिखाने की कोशिश की गई है जो कि काफ़ी अच्छी एक रिप्रेजेंटेड फॉर्म में दिखाया गया है इसके अलावा देखिए एक और यहां पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया है जो एनिमल्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया गया है इन्होंने कहा कि देखिए ये जो रीजन है इस तरीके से यहां पर जो रीजन है यहां पर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है ग्लासअपटेरिस मिससॉरस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हमें पाए गए हैं जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल है वो एक्चुअल में हमें मिलने नहीं चाहिए थे क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट के कारण से डिफरेंट इको और इस इको के कारण से डिफरेंट टाइप के एनिमल्स बन जाएंगे तो इस कारण से होगा क्या कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो किसी ना किसी एक ही पोजीशन के लिए एक ही जगह के अनुकूल रहेंगे अगर वो एनिमल इंटर में पाया जा रहा है दैट मींस कि ये कभी ना कभी एक समय एक ही जगह पर मतलब कि ये एक मिक्स्ड फॉर्मेट में सिंगल कॉन्टिनेंट के रूप में रहे होंगे दैट इज़ अगेन जस्टिफिकेशन फॉर द वैगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऐसा सच कोई गलत थ्योरी नहीं है फाइंडिंग्स इनकी सही थी और यही फाइंडिंग कहीं ना कहीं दिमाग में बनी हुई थी ज्योग्राफर्स के और अल्टीमेटली ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रूप में निकल करके बाद में आई लेकिन जो डेवलपमेंट थी फर्स्ट डेवलपमेंट फर्स्ट थिंकिंग एंड एक्चुअली द फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ द टेलर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी थी जो कि वैगनर थ्यूरी और अल्टीमेटली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को रिप्रेजेंट करने में ले आने में काफी अच्छा अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी वेगनर की थ्योरी इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट बोली जाती है लेकिन ये एक फील्ड थ्योरी थी इट इज अ फील्ड थ्योरी क्योंकि इन्होंने जितने भी अपनी हाइपोथेसिस जितने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स बताए उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया लोगों ने बोला कि देखिए आपने जो भी बताया है दिस इज ऑब्जर्वड डेटा बट वॉट इज द रेस्पॉन्सिबल फोर्स या फिर कह लीजिए कि जो इसकी एक फोर्स है रेस्पॉन्सिबल है जो इसको डिराइव कर रही है ड्राइविंग फोर्सिस की जो है वो आखिर में क्या है तो इन्होंने अपने ड्राइविंग फोर्स के रूप में टाइडल फोर्स बता दिया और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम लिया एक्चुअल में वो डायरेक्टली टेलर ने जो कुछ भी बताया था वही बोल दिया था टेलर साहब ने भी हमारे टाइडल फोर्स को ही बोला था लेकिन वो उतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे ग्लोबल स्केल पे नहीं बताए थे एंड दैट इज़ वाई उनको उतना ज़्यादा फोकस नहीं मिला लेकिन जो वैगनर की थ्योरी थी इन्होंने ग्लोबल स्केल पे कॉन्टिनेंट को बताया था एंड दैट इज़ वाई जो भी इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया वो एक फेल्ड जस्टिफिकेशन सामने निकल करके आया अब यहाँ पर जो इन्होंने टाइडल फोर्स बताया उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि जो मून सन एंड अर्थ है इसके कारण से जो भी टाइडल फोर्स बन रहा है दिस विल एक्चुअली अपलिफ्ट दिस विल मूव द पोजिशन अब इसका मतलब क्या है देखिए ध्यान से जरा सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड यहां पर मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी वाटर होगा वो इधर के साइड में टाइड के रूप में बल्ज निकल जाएगा बल्ज निकलने का मतलब है कि वाटर इधर से कम हो जाएगा यानी कि दिस दिस इज बेसिकली द बल्ज बल्ज पोजिशन ऑफ द वाटर अब यहां पर क्या होगा कि सपोज दिस इज जार मान लेते हैं कोई जार है और ये पानी से भरा हुआ है अब यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से अब ये जो जार की जो लोकेशन है या फिर वाटर का जो लेवल है वो बदल जाएगा और लेवल अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा दिस विल बी द लेयर लेवल ऑफ वाटर अब इससे क्या होगा जो भी जहाज़ सपोज यहाँ पर मेरी कोई जहाज मैंने एक लगा के रखी हुई थी कोई पेपर की कागज की मैंने जहाज बना के रखी थी अब वो टिल्ट टोकर के कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब ये टिल्ट होने के कारण से क्या होगा मूव करना शुरू कर देगा एंड दिस इज बेसिकली द सियालिक मूवमेंट ओवर सीमा और यही इन्होंने बताया था लेकिन जो जोग्राफ़र थे जो बाकी लोग थे जो इनके अगेंस्ट में थे उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की पोजीशन होती है तो पहले तो वी नीड वेरी हैवी फोर्स और जो फोर्स आपने बताया है उससे हमें टेन थाउजेंड टाइम्स हेवी फोर्स चाहिए काफ़ी हेवी फोर्स चाहिए हमें और अगर इस तरीके की पोजीशन होती भी है तो अर्थ अपने ही एक्सिस पे जो रोटेट करता है यहां पर भी आपको जो भी आयलर्स प्रिंसिपल लगती है उस आयलर्स प्रिंसिपल पे एक और फोर्स लग जाएगी एंड दिस इज द ट्राइडल फोर्स तो ये कहीं ना कहीं इसके रोटेशन को रोक भी देगा तो जो ज्योग्राफर थे उन्होंने बोला कि देखिए द जस्टिफिकेशन विच इज गिवन बाय द वेगनर वो एक्चुअल में एक फील्ड जस्टिफिकेशन है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है टाइडल फोर्स इज एक्चुअली अ इंटरनल फोर्स और इसका एक रिवर्सल फोर्स या फिर कह लीजिए इसका एक रिएक्शनरी फोर्स ऑलरेडी अवेलेबल होता है और यहाँ पर कोई भी इस तरीके की पोजीशन इतना हैवी फोर्स नहीं लगता है जो कि इसके लैंडफॉर्म को या फिर इसके सिस्टम को चेंज नहीं कर सके इसके अलावा इन्होंने बोला था सियालिक मटेरियल फ्लोइंग ओवर सीमा मटेरियल ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया आपको पता चल गया होगा बाकी जिग्सा फिट इन्होंने जो भी कहा था वो कुछ लोकेशंस पे हमें देखने को नहीं मिलती है एंड दैट इज वाई इट हैज ऑल्सो फेल्ड इन सम ऑफ द पोजिशन ऑफ द एटलांटिक ओशियन तो यहाँ से भी इनकी थ्यूरी कहीं ना कहीं एक फील्ड फॉर्मेट में निकलती है ही फेल्ड टू एलेबरेट द डिरेक्शन एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द सिक्वेंस इन्होंने कहा कि पैंगिया है एंड पेंगिया इज़ नॉट द फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट और द लास्ट सुपर कॉन्टिनेंट लेकिन पेंगिया से पहले क्या था पेंगिया बना कैसे पेंगिया का मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ पेंगिया टूटा कैसे तो ये सारी जो क्वेश्चन थी वो अगेन वेगनर के द्वारा नहीं दी गई थी तो वैगनर की थ्योरी एक तरीके से आप बोल सकते हैं काफ़ी सुपरफिशियल थ्योरी है जो केवल और केवल आइडिया बेस्ड थी लेकिन ये आइडिया गलत नहीं था क्योंकि इसी आइडिया पे बेस्ड हम लोग आगे अपनी रिसर्च किए इस वजह से वेगनर की थ्योरी को आज भी पढ़ा जाता है आज भी उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाता है जितना कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दी जाती है आफ्टर ऑल दीज डिस्कशंस हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले कई सारे और भी हमारे पास थ्योरीज आती हैं विद द टाइम अलग अलग टाइम पे जैसे कि हमारे पास एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आती है हैरी हैस की जो एक नेवी कमांडर थे और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन इन्होंने सबमरीन लेके गए थे और इन्होंने ओशियन सरफेस पे कई सारे लैंडफॉर्म फीचर्स देखे यहाँ से इन्हें एक आइडिया लग गया कि देखिए जो अभी तक वैगेनर या अभी तक जो हमारी थिंकिंग थी कि ओशियन इज़ अ प्लेन सर्फेस दिस इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट और ओशन में भी हमारे पास जो है अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म हैं और इस तरीके से इन्होंने जो होता है उस टाइम पर जो एक और थ्योरी ऑलरेडी डेवलप हो रही थी जिसे कन्वेक्शन करेंट थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स बोला जाता है इनके साथ में फिर इनके जो भी थॉट्स हैं उनके साथ में लिंकिंग बिठाया गया और इन्होंने कहा कि देखिए ये जो कन्वेक्शन करेंट थ्योरी है दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ऑफ द हैरी हैज वॉट डज दिस मीन इन्होंने कहा कि देखिए ये जो हमारी अर्थ है या हमारी ये जो अर्थ सरफेस है इसके नीचे कई तरीके की कन्वेक्शंस चलती रहती हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनल हीट इंटरनल हीट के कारण से कई सारी कन्वेक्शंस चल रही होती हैं यहाँ पर इंटरनल हीट आप बोल सकते हैं जैसे आप बोल सकते हैं कि पानी गर्म कर रहे हैं या दूध गर्म कर रहे हैं कुछ भी गर्म कर रहे हैं तो दिस इज़ इंटरनल हीट जिसके कारण से यहाँ पर कन्वेक्शन करेंट्स आ जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन करेंट जो भी ऊपर होगा क्या ऊपर हो सकता है लीथोस्फियर होगा ऑब्वियसली लीथोस्फीयर जो भी ऊपर होगा ये एक्चुअल में ब्रेकिंग हो जाएगी अब ये ऊपर चाहे पेंगिया हो चाहे ओशियन हो चाहे पैंथालसा हो चाहे जो भी हो ये एक प्लेट के फॉर्मेट पर रहेगा और ये टूट जाएगा दिस विल ब्रेक लेकिन अब यहां पर दो कंसेप्ट यहां तो आपने ये समझ गया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग जिसके कारण से यहां पर ओशियन में भी लैंडफॉर्म्स आ गए हैं ये तो समझ में आ गया लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है ये प्लेट वाला सिस्टम कहाँ से आया और किसने बोला इसको बोला गया था विल्सन थ्योरी ऑफ प्लेट के द्वारा। ने बताया कि जो भी ऊपर का द अर्थ आउटर मोस्ट सरफेस ये एक्चुअल प्लेट के रूप में है जिसे जो कि इंटीरियर मतलब इंटरनल हीट के द्वारा कन्वेक्शन करंट के द्वारा टूटा हुआ है फॉर्मेट में है और इस तरीके से इन तीनों थ्योरी के सहायता से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सामने निकल करके आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में ऑलरेडी आप सब लोग जानते ही हैं काफ़ी कुछ डिस्कशन ऑलरेडी किया जा चुका है यहाँ पर आप एक सिस्टम देख सकते हैं कि दिस इज़ द फुल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके की प्लेट है एक जिसे ओशैनिक प्लेट बोला जा रहा है दूसरी जिसे कॉन्टिनेंटल प्लेट बोला जा रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेट रिलेटिवली हाई होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है निक प्लेट इसकी जो हाइट होती है वो रिलेटिवली कम होती है यहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में लिथोस्फियर बोला गया है एंड लिथोस्फियर इज अगेन द क्रस्ट एंड द एस्थोनेसफियर पार्ट यहाँ पर इंटीरियर में एस्थोनेस्फियर लिखा गया है यहां पर आपको देखने को मिलेगा तीन तरीके की डाइवर्जेंस बताई गई है मतलब तीन तरीके की इंटरेक्शन बताई गई है वन इज द कन्वर्जेंस जहाँ पर देख सकते हैं आपकी दो प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रही है सेकेंड इज द डाइवर्जेंस जहाँ पर डाइवर्ज कर रही है दूर भाग रही है और इस दूर भागने के कारण से यहाँ पर देखिए इंटरनल एक ट्रेंच बन जा रही है और इस ट्रेंच के बारे में आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि जब भी दो प्लेट आपस में कोलाइड करेंगी दे विल दे विल ब्रेक इट मतलब कोशिश तो करेंगे लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा एंड दिस इज हाउ यहाँ पर देखिए एक ट्रेंच बन जाएगी गर्त बन जाएगी दिस इज़ एक्चुअली गर्त गड्ढा तो ये सिस्टम बन जाएगी और एक लास्ट तरीके की और होती है फॉल्ट जिसे हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या फिर ट्रांसफॉर्म टाइप ऑफ कोलिजन इंटरेक्शन बोल सकते हैं जहां पर ये एक दूसरे के साथ में पैरल मूवमेंट करती है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन दिस इज़ हाउ ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है वो डेवलप होती है विल्सन ने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को अलग अलग तरीके के प्लेट में डिवाइड किया जहां पर अलग अलग तरीके के प्लेट आप देख सकते हैं लाइक सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेट्स आर लाइक वन सेकेंड यस यूरेशियन प्लेट हो गई या फिर फिलीपींस प्लेट हो गई या फिर इंडो ऑस्ट्रल प्लेट हो गई एंटार्कटिक प्लेट हो गई यहाँ पर भी ही है अंटार्कटिकोशिया प्लेट हो गई फिर अफ्रीकन प्लेट हो गई अरेबियन प्लेट हो गई दिस इज अरेबियन प्लेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली प्लेट हो गई या फिर आपकी यूरेशियन प्लेट है यहाँ पर दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जानडे प्लेट कोको प्लेट पैसिफिक प्लेट नजका प्लेट साउथ अमेरिकन पैसिफिक पैसफिकेबियन सेंट इंड्रियाज फॉल्ट जो कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण से होती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको लोकेशंस मिल गई हैं एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नोटिस हो रहा होगा कि दिस इज़ अ लीनियर चेन जो कि एक रिंग टाइप की है ये आपके रिंग टाइप की आपको देखने को मिलेगी इस पूरे सिस्टम में एंड दिस इज एक्चुअली अ रिंग जिसे हम बोलते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दिस इज अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे प्लेट्स हैं जो आपस में कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और इस इंटरेक्शन के कारण से अर्थक्वेक एंड वोल्कैनिक फोर्सेज यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो ये वलकैनिक इरप्शन एंड ऑल दैट ये सब आप लोगों ने जीएस के सेक्शन में ज्योग्राफी के सेक्शन में पढ़ा ही होगा थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जो है वो रिविजनरी नोट के रूप में यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंटल है और ये आपस में कन्वर्जेंस एक तरीके की कन्वर्जेंस प्लेट आ रही है जहां पर ये सी फ्लोर स्प्रेड हो रही है नीचे से जो मैग्मैटिक मटेरियल है जो कि वोल्केनो के फॉर्मेट में है नीचे से हाई हीट हाई प्रेशर के कारण से वीक सरफेस पे यह तोड़ करके बाहर वोल्केनिक इरप्शन करने की कोशिश करेगा ये मेंटल का पार्ट है जहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट जो है एस्थोनेसफियर है दिस इज द सॉफ्टेस्ट लेयर और यहाँ पर क्या होगी ये जो लिथोस्फीयर है, है या जो ऊपर की लेयर है ये आपस में टकरा रही है एक तरफ कॉन्टिनेंटल है दूसरे तरफ में ओशन है ओशन की जो प्लेट है रिलेटिवली छोटी होती है और कॉन्टिनेंट की प्लेट रिलेटिवली भारी होती है अब यहाँ पर जो भी गड्ढा होगा सीधी सी बात है यहाँ पर वाटर भरी आएगी तो ये वाटर है बेसिकली जो कि रेनफॉल के कारण से आती है देखिए ओशियनिक क्रस्ट डज नॉट मीन द ओशियनिक वाटर ओशियनिक वाटर इज समथिंग डिफरेंट और यहाँ पर जो ये सिस्टम है वो समथिंग डिफरेंट है क्लियर हो गया क्या चीज़ है ओके नाउ यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें नीचे आएंगी वो एक्स्ट्रा हैवी प्रेशर क्रिएट कर रही होगी हमारे इस मेंटल सिस्टम पे और इस मेंटल सिस्टम के कारण से वलकैनिक करप्शन होगा और इस वल्कैनिक करप्शन के कारण से आगे हमें ये वुल्कैनो देखने को मिलेगा तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है द सेम थिंग इज अगेन यहाँ पर जो है कन्वेक्शन करेंट के फॉर्मेट में चीजें दिखाई गई हैं दिस इज मिडोशनिक रेंज प्लेट टिक बिस एंड माउंटेन रेंज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यहाँ पर कुछ सच एक्सप्लेन करने की नहीं है ऑलरेडी आप जो होते हैं इसके सिस्टम को देखिए इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अगेन आई एम टेलिंग यू गो थ्रू विद द वीडियोज ऑफ द जी एस सेक्शन आई बटन ऊपर सेट कर दिया गया है उसके थ्रू भी आप जाकर के देख सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर प्लेट टेक्टॉनिक थ्यूरी ने इस पूरे के पूरे जो कॉन्टिनेंट है सुपर कॉन्टिनेंट बोलिए या कोई कॉन्टिनेंट बोलिए वो बताया कि कैसे ब्रेकिंग हो रही है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्शनल इन्होंने कहा कि सपोज कोई एक पैंगिया पार्ट वन रहा होगा जो कि इस तरीके से एक फॉर्मेट में रहा होगा जो कैलेडोनियन माउंटेंस मतलब कि एक कैलीजे कार्बोनी फेरस पीरियड के दौरान में टूट गया होगा या अलग अलग फॉर्मेट में टूट गया और टूटने के कारण से जो भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म बेल्ट जो भी लग रही होगी वो इस तरीके से आपस में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा बेस्ड ऑन डैट डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन विल बिल्ड एंड दीज आर केलेडोनियन माउंटेन और हर सीनियन माउंटेन ये सारा का सारा जो डेवलप हुआ है वो सिलूरियन या फिर कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ है जो कि पुराने टाइम की बात है वापस से फिर से ये रीसेट किया गया बिकॉज ऑफ द फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज वर्क कर ही रहे हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्लेट वर्क कर ही रही है तो ये घूम फिर कर वापस से एक बार जिग्सा फिटिंग के दौरान में फिर से एक बार फिट हो गया और वापस से फोर्सेस तो लगी रही है और फिर आगे फिर ये डिसरप्ट हो जाते हैं और फिर से ब्रोक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद से यार फिर आज के टाइम का ये कॉन्टिनेंटल जो शिफ्ट है या कॉन्टिनेंटल डिफ्रेंसेस या डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट में आगे जैसे ऐसे टाइम बीतेगा हो सकता है इन द फ्यूचर फ्यूचर का मतलब लाखों करोड़ों साल बाद वापस से फिर से एक बार हमें इस तरीके का पैंगिया नंबर थ्री देखने को मिल जाए तो ऐसा बोला जाता है हमारे इस प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी के द्वारा यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि ये पूरे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दो तीन पार्ट में तोड़ा गया जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन एंड अफ्रीकन प्लेट है ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है और यहाँ पर एक फॉल्ट बन रही है और ये डाइवर्जेंट प्लेट है यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वुल्कैनिक रप्स देखने को मिलेगी और इस कारण से हमें यहाँ पर छोटे छोटे आईलैंड या मिड ओशियनिक रिजेस देखने को मिलेंगे एंड दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग प्रेजेंस ऑफ मिड ऑशियन रीज इन क्लियर? इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ और भी सिस्टम्स वगैरह बनाए गए हैं तो आप ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेन पिक्चर्स हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वही जीएस के सेक्शन के वीडियोज को जाकर के देखिए यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे इस कॉन्टिनेंट को अलग अलग फॉर्मेट में दिखाया गया जैसे दिस इज नंबर वन फोटोग्राफ जहां पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अफ्रीका अमेरिका अफ्रीका यूरेशिया ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से यहाँ पर एक सिंगल कॉन्टिनेंट पैंगिया के फॉर्मेट में है दिस इज अंटार्कटिका सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटरक्शंस uh, है कन्वर्जेंस प्लेट डाइवर्जेंस प्लेट जो भी लगनी है वो लग रही है और एक दूसरे से ये डाइवर्ट होते आ रहे हैं सिमिलरली आगे ये जो डाइवर्जेंस है वो बढ़ते आ रहा है और सिक्स फोटो में आप देख सकते हैं कि आज की जो पोजीशन है वो दिखाई जा रही है तो दिस इज हाउ ये जो हमारा आज का प्रेजेंट वर्ल्ड है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फैला हुआ है इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी एक सिस्टम दिखाया गया है जो कि अगेन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रिफ्ट वैली कैसे अलग अलग तरीके से टूट रही है यहाँ पर देखिए यह अफ्रीका का नाइल रिवर हो गया दिस इज़ द नूबियन प्लेट एंड दिस इज़ गल्फ़ ऑफ अक्काबा अरेबियन प्लेट है यहाँ पर ये यह रेड सी है रेड सी के बीच में यहाँ पर देखिए अगेन जो भी वुल्कैनिक मटेरियल्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हुए ऑल दे काफ़ी पतली है नैरो बेल्ट है लेकिन फिर भी स्टिल वी कैन सी सम ऑफ वुलकैनिक हॉट स्पॉट या फिर वुलकैनिक मिड ओशनिक रिजर्स इन द फ्यूचर इस एरिया में हम देख सकते हैं दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन दिस इज़ सोमाली करेंट और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह सिस्टम है जहाँ पर रिफ्ट वैली पाई जाती है दिस इज़ वाई बिकॉज़ यहाँ पर यह डाइवर्जेंस प्लेट है नेक्स्ट थिंग आती है कि वैल्युएशन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करेक्ट थ्योरी है या रॉन्ग थ्योरी है या क्या है तो देखिए इन द अर्ली टाइम्स ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इट वाज वेरी मतलब जो ज्योग्राफर्स हैं वो काफी ज्यादा इंथ्यूजियास्टिक थे क्योंकि उन्हें कई सारे फिनोमिनॉज का कई सारे इवेंट्स का रीजन मिल गया था और ये जितने भी रीजनस थे वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उनको एक्सप्लेन कर रही थी लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे अनएक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट्स इवेंट्स थे जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी जैसे कि द ओरिजिनल आइडिया ऑफ द लिथोरिस्िलिक प्लेट ये कोल्ड है ब्रिटल है हार्ड है ये इनकरेक्ट था क्योंकि इसी डाइवर्जेंस प्लेट में ये जो प्लेट है वो एक्चुअल में काफ़ी डक्टाइल बताई गई है फ्लेक्सिबल बताई गई है क्योंकि ये प्लेट जब टूटती है तो पहले ये स्ट्रेच होती है स्ट्रेच होने के बाद में रिफ्ट वैली बनती है और यहाँ पर लेग्स बनती है फिर अल्टीमेटली अगर यहाँ पर वीक सरफेस हो जाता है तो जो इंटरनल हीट के कारण से यहां पर वोल्केनिज्म है वो बेसिकली इसे ब्रेक करता है न कि प्लेट इट तो यहां पर ये जो इनकी शुरुआती दिनों में जो ओरिजिनल आइडिया था वो अपने आप में बोल सकते हैं कि दिस वॉज नॉट एक्चुअली द करेक्ट आइडिया द थ्योरी ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द मेकेनिज्म इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कन्विक्शन करेंट अभी तक हम लोगों ने यह देखा है कि हाँ मेंटल कन्विक्शन करेंट है बट वो मेंटल कन्विक्शन करेंट एस्थोनेस्फियर में है या अपर मेंटल में है या इनर मेंटल में है या फिर आउटर कोर में है या कहाँ पर है इनर कोर में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सॉलिड मटेरियल होता है लेकिन इसके पहले की जितने भी सिस्टम है वहाँ पर एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है व्हाट इज एग्जैक्टली इज द नेचर ऑफ द कन्विक्शन करेंट ये सब कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं है तो दिस इज अगेन एन अनएक्सप्लेन्ड फिनिना जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है इसके अलावा कुछ हॉटस्पॉट वगैरह जहां पर भी पाए गए हैं जहां अनयूजअल प्लेसेज हैं जहां पर पाए गए हैं ये थ्योरी अगेन फेल हो जाती है इस हॉटस्पॉट को बताने में इसके अलावा पेंगिया के पहले क्या था ये भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है केवल यह एज्यूम करता है कि पैंगिया के पहले पेंगिया वन रहा होगा उसके पहले पैंगिया कोई प्रोटो पैंगिया रहा होगा या कोई और भी पैंगिया रहा होगा बट उसके पहले एग्जैक्टली क्या था नो बडी नोज एंड द प्लेटॉनिक थ्योरी ऑल्सो डज नॉट हैव एनी प्रोविजन टू एक्सप्लेन बिफोर द पेंगिया इसके अलावा वन ऑफ दम्शन ऑन विच द थ्योरी इज बेस्ड कि जो इसके सर्फेस एरिया है जो अर्थ का जो सर्फेस एरिया है इट इज़ एक्चुअली अ कॉन्स्टेंट बट हमें रिसेंट डेवलपमेंट के फॉर्मेट में जो जे के हाम की थ्योरी है एक्सपेंडिंग अर्थ इसके फॉर्मेट हमें यह पता चला है कि अर्थ एक्चुअल में अपने सर्फेस एरिया को बढ़ा रही है इनफैक्ट अभी रिसेंट की जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें एक चीज सामने निकल के आ रही है कि जो एम इसे एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है आप लोग अगर फिजिक्स बैकग्राउंड के होंगे तो आपको पता होगा दिस इज एंगुलर मोमेंटम और ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब होता है जब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस काम नहीं करती है लेकिन रिसेंट में देखा गया है कि जो एम है ये लगातार घटते जा रही है घटने का मतलब मास इसका अगर बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी सॉरी मास नहीं मास इज एक्चुअली कांस्टेंट थिंग मास कभी चेंज नहीं होता है लेकिन इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज देखने को मिला है क्योंकि इसकी रेडियस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है अब ये रेडियस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है कि यहां से एक बात श्योर हो जाती है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है दीक्षी दिस इज टू पाई आर दिस इज टू पाई आर डैश अगर टू पाई आर डैश इज ग्रेटर देन टू पाई आर दैट मीन्स आर डैश इज ग्रेटर देन आर यानी क्या हुआ रेडियस बढ़ रहा है यानी सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो ये सिस्टम यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है अभी ये फिलहाल नई थ्योरी है नया डिस्कशन चल रहा है और इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इनफैक्ट यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और भी मैं डिस्कस कर देता हूँ जैसे एक सिस्टम है दिस सपोज द पैंगिया थिंग पैंगिया के बाद क्या चीज़ हुआ क्या नहीं हुआ यह बताता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लेकिन पेंगिया के पहले क्या हुआ जो फिलहाल आज के डिस्कशन आज के लिटरेचर्स बोलती हैं अगर आप पीएचडी एच हायर स्टडीज करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा दिस इज माइक्रो प्लेट टेक्टोनिक माइक्रो प्लेट टेक्टोनिक ये इन दोनों थ्योरी मतलब, को मतलब माइक्रो को प्लस प्लेट टेक्टोनिक इन दोनों की स्टडी को बोला जाता है ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिस इज ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन द सिलेबस दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एंड uh, केवल आपको एक आइडिया होना चाहिए ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए और अगर रिसेंट में कोई डेवलपमेंट्स आती हैं या फिर कोई भी रिसर्च पेपर आता है तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू रीड दिस एंड इन द एडवांस जियोग्राफी कोर्स वी विल स्टडी द डेवलपमेंट जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे विल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक आता है एंड अब हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देंगे जो भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है देर आर मल्टीपल थिंग्स मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो कि जीएस से अलग भी है तो जो भी जीएस के सेक्शन के अराउंड में होगा उसको केवल हम लोग रिवीजन करेंगे एंड वॉट एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे जैसे कि वोल्केनो के फॉर्मेट में ही बात करते हैं तो वॉट इज़ वोल्केनो वोल्केनो इज़ अ ओपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ ए प्लानट दैट अलाउज़ मटेरियल वार्मर देन इट्स सराउंडिंग टू स्कीप फ्रॉम इट्स इंटीरियर जो भी इंटीरियर मटेरियल है हैवी प्रेशर पे है क्योंकि ऊपर में लगातार प्रेशर दिया जा रहा है मटेरियल एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर प्रेशर बढ़ते आ रही है टेम्परेचर ऑलरेडी काफी ज़्यादा है तो इन दोनों के कारण से एक इसका जो कंबाइंड इफेक्ट निकल के आता है वो आती है वोल्केनो आर्थर होम ने भी अपनी एक definition दी गई थी तो आप डायरेक्टली आर्थर होम का नाम डाल करके कोई एक ऑफ द वोल्केनो लिख सकते हैं तो यहां पर कोई प्रॉब्लम एस सच नहीं आएगी वोल्केनो अकर वेन मटीरियल सिग्निफिकेंटली वार्मर देन इट्स सराउंडिंग टू स्केप फ्रॉम इट्स इंटीरियर क्यों ऐसा क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस पाया जाएगा अगर मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस भी पाई जाएगी वेन वेलकन एरप्ट इट एक्सपेल लावा गेसियस मटेरियल रॉक्स विद ट्रिमेंडस फोर्सेस अब यहाँ पर हमारे पास बेस्ड ऑन दिस ट्रिमेंडस फोर्स या फिर कह लीजिए कि जो विल्कैनिसिटी का जो एक प्रेशर होती उसके है उसके हिसाब से हैवी प्रेशर है लो प्रेशर है या फिर वायलेंट तरीके से निकल रहा है उस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो दे आर आर क्लासीफिकेशन ऑफ द वलकैनोज विच आर बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिफरेंट मोड्स डिफरेंट क्लासीफिकेशन जैसे एक है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इरप्शन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इरप्शन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वलकैनोज जैसे एक है हवाइन वलकैनो स्ट्राम्बोली वलकैनो या फिर आपकी पीलियन टाइप विसुवियस टाइप तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम हो जाती है हवाइन वलकैन वो होते हैं जो नॉन विस्कस होते हैं दे आर नॉन विस्कस और ये नॉन विस्कस होने के कारण से काफ़ी कालमली ये मतलब ज़्यादा शोर वगैरह नहीं करते हैं और एक कामली जो होती है वलकैनी करप्शन करते हैं और ये काफ़ी रेगुलर फिनोमिना होती है कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रॉम्बोली ये थोड़े विस्कस होते हैं और थोड़े विस्कस होने के कारण से यहाँ पर लाइटनिंग्स एंड कुछ शोर होती है कुछ मतलब कह लीजिए कि यहाँ पर पता लगता है लेकिन जो पिलियन टाइप एंड विसुवियस टाइप होती है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ये विस्कस होते हैं और इस कारण से वॉयेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं डेंजरस होते हैं डिजास्ट्रस होते हैं तो ये सिस्टम हो जाती है वेस्ड ऑन द इरप्शन इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू द फिशर इरप्शन अगेन यहाँ पर दो तीन तरीके की हो जाती है जिसे एक बोला जाता है लावा इरप्शन सेकेंड वन इज़ द मड फ्लो एंड लास्टली फर्म रोल्स भी बोला जाता है रूल का मतलब कुछ नहीं होता है दिस इज एक्चुअली इवेंट जिसको कि हम लोग अभी लास्ट में एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग इसकी डिफिनीशन को देख लेंगे कि मतलब क्या है इसका बाकी लावा इरप्शन एंड मर्ड फ्लू इसके बारे में आपको पता ही है कि यहाँ पर सिस्टम बेस्ड ऑन द विस्कॉसिटी यहाँ पर मूव करता है बेस्ड ऑन दैट अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है इसके अलावा बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ द इरप्शन अगेन इसे डिफरेंट डिफरेंट वल टाइप में डिवाइड किया गया है लाइक एक्टिव वल डोरमेंट डॉर्मेंट वल कैनो एक्सटिंक्ट वल यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ वल्कोनोज दिखाया गया जैसे नंबर वन पे आपको देखने को मिलेगा दिस इज क्वाइट क्वाइट वल्कैनो क्वाइट मतलब कि ये ज़्यादा शोर नहीं कर रहा है नॉर्मल है कोई भी यहाँ पर गैसियस uh, मटेरियल या फिर जो भी निकल रही है वो बहुत ही साइलेंटली निकल रही है और निकल जा रही है दिस इज यू कैन से हवाइन टाइप ऑफ वल्केनो यू कैन सी फ्रॉम हियर इसके अलावा देखिए हमारा नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप ऑफ वल्केनो है यहाँ पर देखिए गैसियस मटेरियल निकल रहा है अब गैसियस मटेरियल निकलेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर थोड़ी सी नॉइज़ होगी थोड़ा सा शोर होगा थोड़ा सा हमें पता चलेगा एंड दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ वोल्केनो फिर उसके बाद से थर्ड टाइप में आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी और हैवी हो गई हैवी होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर थोड़ा सा और शोर होगा थोड़ा सा डिजास्ट्रस हो जाएगा इस टाइप के वोल्केनो को बोलते हैं वल्केनियन टाइप फिर इसके बाद से और ज़्यादा शोर हुआ और ये आ गई पीलियन टाइप एंड लास्टली आ जाती है विसुवियस टाइप यहाँ पर आप सिस्टम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दे आर वायलेंट टाइप ऑफ वल्केकैनोज़ और ये काफ़ी ज़्यादा जो होता है शोर मचा रहे हैं और लास्ट में हमारी जो सिक्स सिस्टम है ये फिशर टाइप है या फिर इसे आइसलैंडिक भी बोला जाता है कि यहाँ पर सीधे होता है एंड इट स्प्रेड्स चारों ओर में ये फैल जाती है यहाँ पर प्रिंसिपल टाइप ऑफ वल्कैनो के बारे में बताया गया है यहाँ पर बेसिकली फोर टाइप हैं एक है शील्ड जिसे बोलते हैं दूसरा कंपोजिट होती है फिर डूम शेप होती है जिसे प्लग डूम या फिर लावा डूम भी बोला जाता है और लास्टली सिंडरकोन हो जाती है ये जो सिस्टम बनाया गया ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द फ्लो बनाया गया या फिर विस्कवासिटी आप बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द वस्कवासिटी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनती है जैसे कि शील्ड है शील्ड आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी कंपोजिट ऑब्वियसली थोड़ी सी हार्डर रहेगी जो डूम शेप होती है उसकी वेस्टोटिसी ज़्यादा है इस वजह से इस तरीके से बन जाएगा सिंडर सिंडरकोन जो होती है थोड़ी सी और मटेरियल कम रहेगा थोड़ा सा ये शीट टाइप का रहेगा तो यहाँ पर इसके शेप एंड साइज स्ट्रक्चर मैग्मा इरप्शन टाइप और यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल्स है वो दिए गए हैं आप इसे पॉज करके इसको पढ़ लीजिए दिस इज़ प्योरली फैक्चुअल डेटा और ये आपको प्रलम्स या फिर मेंस में भी अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके की टेबल बना करके दिखाना पड़ेगा इसको आप लोग नोट no डाउन कर लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ फैक्चुअल वी आर मूविंग अहेड आगे हम लोग देखेंगे मैग्मा एंड इट्स टाइप के बारे में तो मैग्मा ये थोड़ी सी यहाँ पर जो डिस्कशन है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आएगी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर कि मैग्मा का मतलब ये होता है देखिए कई बार मैग्मा और लावा में लोग जो है कंफ्यूज होते हैं मैग्मा एंड लावा आर अगर लार्ज स्केल पे देखेंगे बड़े स्केल पे देखेंगे तो मैक्रोस्केल पर बोथ आर नियरली सेम थिंग बट ऑन माइक्रोस्केल दे आर डिफरेंट दोनों में मटेरियल चेंज होता है तो मैग्मा इज एक्चुअली यूज टू डिनोट द मोल्टन रॉक एंड रिलेटेड मटेरियल्स लेकिन लावा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं द गैसेस बबल डिफॉर्मेट एंड ऑल दैट सब कुछ यहाँ पर होता है दीज आर सीन इन साइड द अर्थ एस्थोनेस्फियर इज द वीकर जोन ऑफ द मेंटल एंड इज इट इज़ द सोर्स ऑफ द मैग्मा यहीं से मटेरियल फिर आगे निकलता है वन द मैग्मा केम आउट टू द अर्थ सर्फेस थ्रू आउट द वेंट ऑफ दल्ड कैन नो इट इज कॉल्ड एज द लावा तो देर आर लिटिल डिफरें मैगमा एंड लावा लावा निकल गया बाहर यानी इसमें गैसियस मटीरियल वाटर पार्टिकल्स वेपर फिर मैगमा सब कुछ है मैगमा का मतलब होता है केवल और केवल केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट मैटैलिक और नॉन मेटैलिक जो भी मिनरल्स हैं तेरफ और लावा इज द मैगमा ऑन द अर्थ सरफेस क्योंकि मिक्सड फॉर्मेट में निकला हुआ है वुल्कैनिजम इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड लिक्विड गैसेस मटेरियल स्केप फ्रॉम द जो भी अर्थ की इंटीरियर सिस्टम है अब देखिए इस मैगमेटिक मटेरियल का भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो दे आर बेसिकली डिफरेंट मोड्स ऑन विच वी आर क्लासिफाइंग द मैग्मा एक होती है जो सिलिका कंटेंट के बेसिस पे होता है जहाँ पर हम लोग एसिडिक मैगमा और बेसिक मैगमा डिवाइड करते हैं अगर मान लीजिए कि सिलिका का कंटेंट काफ़ी हाई है तो हम लोग उसे एसिडिक मैगमा बोलते हैं और अगर सिलिका का कंटेंट लो है तो उसे हम लोग बेसिक मैग्मा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर एल्कली जो है वो ज़्यादा हो जाती है जैसे एलमिनियम आयरन जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं नरनास लॉस ऑल्सो यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई थी आपसे कि आ, सिस्टम अगर मान लीजिए सिलिका कम है सिलिकम ज़्यादा जा, है तो किस तरीके का क्या वहाँ पर नेचर होगा एसिडिक या बेसिक होगा हालांकि उस लेक्चर में ही आंसर दे दिया गया था आपको ढूंढने की ज़रूरत थी खैर यहाँ पर आपको और बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा बेस्ड ऑन द लाइट एंड डार्क कलर ऑफ द मैगमा इसे दो पार्ट में बांटा गया है वन वन इज इज द फेल्सिक फेल्सिक अदर मैफिक का मतलब जो आयरन रिच होती है सिलिका होती है सेकेंड थिंग मैफिक का मतलब जहाँ पर मैगमा होती है और सिलिका होती है इसके अलावा देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लावा भी किया गया है एंड देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिकली क्लासिफिकेशन वन इज बेस्ड ऑन द हवाइन टाइप हवाइन लैंग्वेज के हिसाब से इज अ एंड डबल ए टाइप लावा टाइप भी बोला जाता है या पीलो लावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासीफिकेशनस होती हैं एक दूसरी भी होती है इसे टेफ्रा या लैपली भी बोला जाता है इन सारे डिस्कशन को हम लोग एडवांस पोर्शन में करेंगे और वहाँ पर और बेटर तरीके से इनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे बिकॉज दिज आर रिक्वायर्ड दिस दिस इज़ एक्चुअली रिक्वायरिंग बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक नॉलेज और थोड़ी सी ये एडवांस लेवल डिस्कशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा देखिए दिस इज द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुल्कैनोज एरिया वाइज अगर आप देखने की कोशिश करें यहाँ पर देखिए तो वी हैव सम एरियाज जैसे ये एरिया आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर वुलकेनो काफ़ी ज़्यादा हैं सिमिलरली आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा एंड इस एरिया में पैसेफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेगा तो बेसिकली अगर आप इसको क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास थ्री टाइप ऑफ थिंग्स हैं वन इज बसालिक प्लेटू मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड पैसेफिक सरकम पैसिफिक बेल्ट या जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोल सकते हैं तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है और इसे आप याद रखिएगा यहाँ पर एक और पोर्शन है जो कि रिफ्ट वैली का पार्ट होता है और यहाँ पर भी कई सारे हमें सिस्टम मिल जाते हैं कई सारे यहाँ पर वल्केनो मिलते हैं इनको याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं इसे बना ही रहे होंगे शॉर्ट नोट या कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन ड्रॉ दिस मैप इफ द क्वेश्चन इज़ आस्किंग अबाउट द वल्केनो इसके अलावा देखिए वोल्केनो की लैंडफॉर्म फीचर्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है तो आप इसे या तो एन से या फिर जी सी से इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं जैसे कि लोकोलिथ हो गया पैथोलिथ हो गया बैथोलिथ हो गया लोपोलिथ हो गया डाइक्स हो गई सिंड्राकोन हो गई तो अलग अलग तरीके की मटेरियल होती है यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कस्ड पोर्शन में है तो आप उसे आकर के देख सकते हैं इसके अलावा लास्टली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मनोलॉजीज़ भी आ जाती हैं इसमें एक है जिसे फ्यूमरोल भी बोला जाता है दिस फ्यूमरोल आर एक्चुअली द वेंट इन द अर्थ सरफेस फ्रॉम विच स्ट्रीम एंड गैसेस आर आप इसे वेंट बोल सकते हैं जहां से अर्थ का जो भी सिस्टम स्ट्रीम निकल रही है तो जो भी अर्थ के कॉन्टैक्ट में होती है जो भी अर्थ से निकल रही है उसी को हम लोग फ्यूमरोल बोल रहे हैं यू कैन से समथिंग लाइक दिस कि ये मान लीजिए सिस्टम है एंड दिस इज द सरफेस यहाँ पर ये जो टॉप मोस्ट सर्कुलर पोर्शन है या फिर कोई भी वेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमरोल फ्यूमरोल द मेजर सोर्स ऑफ ऑफ वाटर वाटर इज ग्राउंड बॉडीज द मैगमा लाइंग रिलेटिवली क्लोज टू द दर्फेस एंड दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप इसे देख सकते हैं एग्जाम में आपसे डायरेक्टली शॉर्ट नोट के रूप में पूछ दिया जाता है कि फ्यूमरोल का मतलब क्या होता है और फिर आप ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि आप इसका इस वर्ड को देखे नहीं होते हैं जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इन द लास्ट फोर टू फाइव ईयर्स में पूछे गए हैं जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में केवल और केवल डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड पूछ दिया जाता है और वहाँ पर लोग ब्लैंक हो जाते हैं और इसे थोड़ा सा बस पढ़ने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप पढ़े होते हैं बट इसे केवल और केवल नाम बदल के पूछ लिया जाता है तो आप लोग बी प्रिपेयर्ड विद दीज टर्मिनोलॉजीज़ इसके अलावा देखिए एक और टर्म आती है आपके डायट्राम के बारे में दिस इज़ एक्चुअली द वुल्कैनिक पाइप या फिर अगेन आप इसे बोल सकते हैं कि एक है या फिर है, इसी को अलग अलग फॉर्मेट में देखा जा रहा है जो सरफेस के बाहर आ गई है उसे प्लग बोला जा रहा है और जो सरफेस के नीचे इसे हम लोग वोकैनिक नेक बोल रहे हैं और एज अ होल इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है डाया समझ में आ गया लास्ट में एक और टर्म आती है दिस इज लहर इसे डेब्रिस फ्लो ऑफ द वुल्कैनिक मटेरियल जो फ्लो हो रही है एंड दिस इज सैचुरेटेड विद द वाटर जो कि इस वुलकैनिक कौन से निकल रही है इसे ही लहर बोलते हैं तो कोई अलग चीज नहीं है दिस इज यू कैन से इन अ टर्म ऑफ लावा ऑल्सो ये लावा ही है एक तरीके की बस ये है कि इसे अलग अलग टर्म अलग अलग एरिया में अलग अलग कह लीजिए फेज में दिया जा रहा है अब नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन send these questions on recognition is at gmail.com for your feedback first question is discuss the mechanism of development of volcanoes second thing taylor's theory of displacement led to development of wegener's continental drift theory comment write your answers in 300 words and make flow chart maps and if you have any table or data kindly refer to that Usko bhi aap likhiye. better practice ho नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए तो फोल्ड माउंटेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस टाइप ऑफ फोल्ड जियोस इनकलाइन की जो भी थ्योरीज है माउंटेन बिल्डिंग की जो थ्योरीज है उसके बारे में हम लोग देखेंगे हालांकि ये तीन टॉपिक ही अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक हैं बट अगर टाइम पर परमिट किया तो हम लोग बिल्कुल एसोस्टेसी भी देखेंगे अदरवाइज वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रीच अस बाई चूजिंग दीज मीडिया सोर्सेज इट विल बी बेटर इट विल बी प्रिफेयर्ड प्रीफर्ड अगर आप ईमेल के थ्रू हमें ईमेल करें दैट इज द रिकोगशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम आप अपनी क्वेरी अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने डाउट्स कुछ भी आप अपने ईमेल के थ्रू पूछा करिए बिकॉज अदर मीन्स आर वेरी इन्फॉर्मल एंड वी आर नॉट फोकसिंग मच ऑन दोज अदर थिंग्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच